आज भी गोंडों में अगर कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उस समय उस परिवार में चूल्हा नहीं जलाया जाता, आग नहीं जलाया जाता, भोजन बनाया ही नहीं जाता है आज गोंडों में। कि बनाते हो, सिर्फ उसी समय गोंड लोग खाना नहीं खाते हैं। और आपके गोंड लोग तो कभी भी उपवास रह रहे हैं, जबकि कोई दुख में नहीं खाते थे खाना, अब लोग सुख में नहीं खा रहे खाना। खाना नहीं खाए 13 दिन हो गए, कमजोर हो गए गोंड लोग। और 13वें दिन में ये विदेशी लोगों ने सोचे कि चलो बोले जाके पता तो करते हैं, बोले इनके शंभु जिंदा है कि मरे। बोले विदेशी लोग फिर जो छुपे थे वो निकल निकल के इकट्ठे होके और फिर जहां पर वो बाबा शंभु जहर में सो पड़े हुए थे वहां आके दूर से देखते हैं। तो गोंड लोग रो रहे थे, बाबा शंभु पता नहीं बचे नहीं बचे, मर गए का जिंदा है। अब विदेशी लोग आस पास खड़े हो गए 13वां दिन और वहीं से कहने लगे, बोले क्या कर रहे हो, बोले तुम्हारे राजा शंभु मर गए, बोले तुम्हारे बाबा ने कच्चू नहीं कर पाए, बोले और तुम भी कुछ नहीं पर कर पाओगे, बोले अब क्या करोगे, बोले। उसी समय बताया जाता है उन विदेशियों ने गुस्सा में आके कहा था कि अब क्या करोगे, अब हमारे सिर के बाल ले लो, इसलिए आज भी बाल देते हैं कुछ लोग देते हो आप। गोंडी संस्कृति में बाल नहीं दिया जाता, आज भी लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर पाओ तो कुछ नहीं कर पाओ, बाल ले ले बोलता है कि नहीं, गुस्सा में। 13वां दिन में यही ऐसा करके वो इन लोगों ने इनके बाबा मर गए करके 13 दिन में बढ़िया भजिया है, पूरी है, अच्छी अच्छी चीज बना के लोग खा रहे हैं, खुशियां मनाते हैं लोग। इसलिए आज भी कुछ धर्म में ऐसा हो रहा है, उनकी संस्कृति को हमारे भारत के लोगों ने अपनाया। आज भी वो लोग 13 कोई खत्म होता है तो 13 दिन में 13वीं मानते हैं। वो हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन गोंड लोग भी कई जगह 13वीं मान रहे हैं। 13वीं मानने का मतलब है कि बाबा शंभू के मरने में विदेशों ने खुशियां मनाई, इसलिए वो 13 दिन में 13वीं करते हैं। हमारी संस्कृति में कोई खत्म होता है तो 10वां दिन में 10 गात्र होता है, होता ही नहीं आज। तो कुछ लोग तो सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 13 में 13वीं कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों ने बाल दिए, हंसी उड़ाए, अच्छी अच्छी बना के खाए और 13वां दिन के रात्रि में मेरे भाई बाबा शंभु अपनी तंद्री योग विद्या से जहर को बचा लिया और जाग गया मेरे भाई। बाबा शंभु जहर बचा के जाग गए। जैसे ही जागे, जिस रात्रि को बाबा शंभु जागे उसी रात को कहा गया था गोंडी में नरका शंभु, उसी को हिंदी में कहते हैं महाशिवरात्रि। महा मतलब बड़ा, शिवरात्रि मतलब बाबा शंभु की रात। तो गोंडों ने उसको बड़ी रात क्यों कहा कि उस दिन बाबा शंभु जहर बचा के जागे तो शंभु के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई थी, इसलिए वो महाशिवरात्रि बोल दिए हिंदी में, गोंडी में नरका शंभु। तो बाबा शंभु जागे तो गोंड लोग भूखे प्यासे तो थे, लेकिन जब अपने राजा जाग जाए तो बिना खाए भी लोगों को ताकत आ जाती है, आ जाती है ना मेरे भाई, सब लोगों को ताकत आ गई। जैसे हमारे राजा साहब बैठे हैं तो उनके रहने से ताकत है कि नहीं, सब लोगों को थोड़ा जोश अलग रहता है। तो जैसे ही जागे हमारे राजा शंभु, गोंडों को जोश आया, पूरा भूख भूख सब खत्म हो गई, उठाए त्रिशूल, उठाए तीर कमान, और विदेशी हंसी उड़ा रहे थे ना उनके पीछे फिर दौड़े मारने के लिए, बाबा शंभु भी दौड़ा उनके पीछे। इतना मारे उन लोगों को, कुछ लोगों को तो पकड़ लिए, पकड़ने के बाद मार के और उसका लाते हैं, और जो पचमढ़ी जिसको बोलते हैं ना, जो टेकड़ी है आज महादेव बोलते हैं चौरागा, उसी टेकड़ी के ऊपर पूरे विदेशियों को एक के ऊपर रच के, मतलब मरे हुए एक के ऊपर एक रखे, पिछले जिंदा भी रख दिए, और उसी में 14वां दिन में उन्हीं के ऊपर आग लगा दिए, 14 विदेशियों की होली जला दिया। जो होली आज भी पचमढ़ी में 14 को आज भी जलती है, आज भी जलती है, वहां देखना है तो देख के आ जाना पेंक मेड़ी। लेकिन लोग उसको सत्यता नहीं बता रहे कि होली काहे की जलती, जलाते हैं लेकिन सब लोग, लेकिन पता नहीं है लोगों को कि ये है काहे की। लेकिन अब वहां भी जानने लगे, क्योंकि भाई मैं तो प्रचार आसपास ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, बैतूल में भी, छिंदवाड़ा में, सब जगह, अब जानने लगे लोग कि ये विदेशियों की होली है, अब बताते हैं कि विदेशियों की होली जलाई गई है, आज भी होली जलती है। तो 14 के दिन विदेशियों की होली जलाई गई,
और जो बाबा शंभू को जहर पिलाया गया था उसको बदल दिया गया, नाम भी बदला और हर चीज बदला, और आज भी वो जैन में वहां जहर चढ़ाया जा रहा है, चढ़ा रहे ना, लेकिन उसको छुपा के चढ़वा रहे। उनको मालूम है कि जब तक बाबा शंभू के ऊपर जहर चढ़ाते रहेंगे, जब तक बाबा शंभू नशा में रहेगा तो अपनी समाज प्रजा का रक्षा नहीं कर पाएगा, ये है उनका मतलब। तो फिर घुमा फिरा के कहते हैं कि चढ़ाओ, हमारे गोंड लोग भी जाके चढ़ा रहे हैं, अगर आप अपने राजा महाराजा को दारू पिला पिला के नशा में चूर कर दोगे तो आपकी रक्षा कर पाएंगे राजा क्या? इसलिए गोंड लोग जब शिवरात्रि मानते थे तो कभी भी जहरीली चीज नहीं चढ़ाते थे, बेगा लोग नहीं चढ़वाते थे। हमारे घर में जब शिवरात्रि मानते हैं ना हमारे देवी देवताओं में, गोंडी संस्कृति में, वहां जहरीली चीज नहीं चढ़ाते। आज भी सिर्फ जहरीली चीज दूसरे लोगों ने बताया है वहां चढ़ाते, कोई भांग चढ़ा रहा, कोई अकौवा का फूल चढ़ा रहा, कोई हमारे में नहीं चढ़ता था। तो इस प्रकार से मेरे भाई वहीं से ये शिवरात्रि का मानना प्रारंभ हुआ। तो हमारे गोंड लोग कई कई जगह है, महाराष्ट्र में कुछ लोग माघ पूर्णिमा से एक टाइम भोजन करते हैं शिवरात्रि का, क्योंकि वो दुख का समय माना जाता था। इस प्रकार से मेरे सगा जनों, बाबा शंभू की जो गाथा है मैंने आपको बताया, ऐसे कई राजा महाराजा है जिनको धोखा देके मारा गया है और राजपाट भी छीना गया है। तो इसके पहले मैं एक गीत सुना देता हूँ, अगर टाइम रहेगा तो दूसरे राजा की और बात बता दूंगा, तो उस राजा से भी कैसे किया गया। इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि आगे चल के हमको सचेत रहना है, इनकी बहुत बड़ी कूटनीति चाल रहती है।